स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे माता वैष्णो धाम गुफा वाला मंदिर सपनावर। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ का क्या नज़ारा है। यहाँ पर प्रसाद वगैरह मिलता है, आप लेके अंदर जा सकते हो। तो ये देखिए ये मंदिर है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और ये है यज्ञशाला, जब भी यहाँ पे हवन वगैरह होता है तो यहीं पे होता है। ये जो नारियल है ये सब मन्नत का नारियल है, जिसकी जो मन्नत होती है यहाँ पे नारियल बांध के जाता है। तो आइए आगे चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये तुलसी माता है, इनका भी दर्शन कर लीजिए आप लोग, फिर अंदर आपको लेके चलते हैं। दोस्तों देखिए यहीं पर यह लिखा भी हुआ है, यहाँ पर मन्नत के नारियल बांधे जाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देखिए ये माता जी का शेर बना हुआ था, इसको घेरा गया था ताकि लोग इसके ऊपर चढ़ के न बैठ सकते। तो आइए फिर अंदर चलते हैं। तो आइए देखिए ये माता जी का पूरा अंदर का मंदिर का नज़ारा है। अभी इसके बाद और गुफा वाला भी है, तो वो पहले यहाँ दर्शन करेंगे फिर हम आपको उस गुफा वाले मंदिर में ले चलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये माता जी हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। जय माता की। और वीडियो में बने रहिए ताकि और वीडियो हम आपको लेके आगे दिखा सकें, इस वीडियो में और क्या क्या है। आइए आगे चलते हैं। ये सब देखिए, ये सब दीवार जो है उस पर नक्काशी की गई थी, आप ये भी देख सकते हैं। फिर आइए आगे चलते हैं। ये लोग माता जी के मतलब पीछे से परिक्रमा जिसको कहते हैं वो कर रहे थे, हम लोग भी किए, तो पीछे का भी हमने कैप्चर कर लिया कि आप लोग देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए फिर आगे लेके चलते हैं, अब आपको गुफा में वैष्णो माता का दर्शन कराएंगे। आइए चलते हैं। ये देखिए सीढ़ी थी, इसके ऊपर से चढ़ के ही गुफा का रास्ता मतलब जाता है। आइए चलते हैं। तो दोस्तों जैसे ऊपर गए ये देखिए महादेव जी का शिवलिंग रखा हुआ था, हमने उसको कैप्चर किया, फिर आगे बढ़ते हैं दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ से गुफा का रास्ता जाता है, तो लिखा भी हुआ है। फिर हम अंदर चलते हैं, देखिए गुफा प्रवेश द्वार। तो ये हम अंदर गए, यहाँ पे चरण पादुका रखी हुई थी माता जी की, देखिए। चलिए आगे चलते हैं। ये गुफा के अंदर ऐसे झुक के जाया जाता है। जैसा कि आप वैष्णो देवी अगर गए होंगे तो वहाँ पे ऐसे ही मतलब गुफा बनाई गई है, बट ये तो मतलब शो ऑफ के लिए बनाई गई थी। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। गुफा के अंदर से जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आकर के, मन को बहुत शांति मिली। अगर आपके पास ये टाइम मिले तो आप ज़रूर आइएगा। और ये देखिए ये सांप का ये दृश्य बनाया गया है, ये भी देख सकते हैं आप। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। आइए हम आपको नवरात्रि की नौ देवियों के दर्शन कराते हैं। ये देखिए ये सेल्फ उत्तरी माता जी हैं, उसके बाद ये ब्रह्मचारिणी जी हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये चंद्रघंटा माता जी हैं, उसके बाद ये आपका सुकुमांडा माता जी हैं, और ये स्कंद माता जी हैं, आप देख सकते हैं, दर्शन भी करते रहिए। ये कात्यायनी माता जी हैं, ये काल रात्रि माता जी हैं, देख सकते हैं आप।
ये महागौरी माता जी हैं और ये शिष्य की दात्री माता जी हैं। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद हम ये आगे गए तो यहाँ पे मतलब म्यूजियम जैसा बना हुआ था, सारे जानवर वगैरह रखे थे जो माता जी के प्रिय जानवर हैं। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए गुफा के अंदर का नज़ारा है। कंगारू वगैरह, बंदर वगैरह, शेर वगैरह, हाथी वगैरह और जेब्रा वगैरह जैसे जानवर का मतलब पुतला बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर आगे से आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए बहुत ही पतला रास्ता था गुफा का और हम अंदर जा रहे थे। ये देखिए देख सकते हैं आप। और अंदर गए तो ये देखिए फिर कुछ जानवर रखे थे, भालू वगैरह, ये भी देख सकते हैं। आइए अंदर चलते हैं। आइए अब आपको मूल दर्शन कराते हैं माता वैष्णो जी का। ये देखिए ये जय माता जी, ये माता वैष्णो जी हैं, आप इनका दर्शन कीजिए नवरात्रि में। बोलिए जय माता की और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माता की। आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसको तो सब लोग जानते हैं, ये जिराफ है, सबसे ऊंची गर्दन वाला जानवर, आप देख सकते हैं। फिर आइए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी सारे जानवर वगैरह रखे हुए थे, चीता वगैरह, बाघ वगैरह सब कुछ रखा हुआ था। ये देखिए ये तो परशुराम भगवान जी हैं, इनको भी देख सकते हैं आप। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए हम उतर रहे थे और ये हनुमान जी का मूर्ति बना हुआ था। तो ये देखिए हमने इसको भी कैप्चर किया, इनका भी दर्शन कीजिए आप लोग। आइए फिर आगे। ये देखिए ये पंचमुखी हनुमान जी हैं, पंचमुखी हनुमान, इनका भी दर्शन कीजिए और फिर चलिए आगे चलते हैं। जय बजरंगबली। फिर ये देखिए ये राधा कृष्ण जी हैं, इनका भी दर्शन कीजिए आप लोग। ये देखिए ये राधा कृष्ण, बोलिए राधे राधे। आइए आगे चलते हैं। और ये देखिए ऊपर से बाहर का नजारा कुछ ऐसा था, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए हम सीढ़ी पे से अब नीचे उतरेंगे और फिर आगे दिखाएंगे आपको और क्या क्या है यहाँ पे। तो हम नीचे उतरे, फिर ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी गुफा और बंद बनी हुई थी, हम सोचे अंदर कुछ होगा। अंदर गए तो कुछ था नहीं, पीछे जाने का रास्ता था। तो फिर हम बाहर निकले और ये देखिए खरगोश का पुतला बना हुआ है, इसी गुफा से बाहर निकले उधर से अंदर गए थे। तो आइए फिर आगे चलते। जैसा आप लोगों को पता है दोस्तों कल से नवरात्रि चालू हो रही है 9 तारीख से।
तो हमने यहाँ पर मन्नत का नारियल बांधा और यहाँ पे पूरी तरीके से बैरक वगैरह लग रहा था माता जी का जागरण वगैरह के लिए। फिर आइए आगे चलते हैं। तो चलिए अब आपसे हम विदा लेते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग लेकर के, और फिर से आपको कहीं ना कहीं दर्शन कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में जाना।